ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर दोस्तों मैंने नई क्रेटा को मॉडिफाई किया है। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं ना तो पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और सबसे पहले सोचिए कि आपको क्या चाहिए। दो तरह से गाड़ी मॉडिफाई होती है, पहला मुझे दुनिया को दिखाना है, दूसरा मैंने यूज करना है। तो इसका काम गाड़ी की लुक को एनहांस करना है, प्लस आपकी गाड़ी की जो लाइट है इसके सिमेट्रिक पोर्शन को बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे आपको बात बता। अलॉयव्हील्स की अगर मैं गणित की बात बताता हूँ तो 12,000 रुपए का एक अलॉय मिलता है। ये तो वो आइटम है जो मेजोरिटी ऑफ हर कस्टमर अपनी गाड़ी में मांगता है। SS का एक मोनोग्राम भी लगवाया है, गाड़ी का क्रूज कंट्रोल, इन दोनों आइटमों को इंस्टॉल करने के अलावा। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे, सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने क्रेटा का बेस मॉडल मॉडिफिकेशन लेके आया हूं। ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर दोस्तों मैंने नई क्रेटा को मॉडिफाई किया है। हाल फिलहाल में आपने क्रोल बाग की, आपने आफ्टर मार्केट की इतनी वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर क्रेटा को मॉडिफिकेशन को एक्सट्रीम लेवल तक का दिखाया गया है। मगर सबसे पहले मेरे सभी कस्टमर को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ जो आफ्टर मार्केट का रुझान कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में कुछ भी काम आप बेशक आफ्टर मार्केट करवाइए या शोरूम करवाइए, सबसे पहले अपनी नीड एनालिसिस कीजिए। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं ना तो पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और सबसे पहले सोचिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए दो तरह से गाड़ी मॉडिफाई होती है, पहला मुझे दुनिया को दिखाना है, दूसरा मैंने यूज करना है। वो आपके ऊपर है कि आपने अपनी गाड़ी को कैसे मॉडिफाई करना है। मगर मैंने ये जो गाड़ी कस्टमर की मॉडिफाई की है ये इस पैटर्न से की है जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक गाड़ी की अच्छी इमेज भी बनी रहे और साथ में मेरी डे टू डे की नीड भी कंप्लीट हो पाए। इसके अंदर जो मैंने स्टीरियो भी लगाया है वो एप्पल कारपे एंड्रॉइड ऑटो वाला लगाया है जो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस जो अलॉय व्हील्स भी लगाए हैं वो ह्यूंडई जेन्युइन वाले लगाए हैं, साथ में मैंने ऑटोमेटिक फोल्डेबल के साथ क्रूज कंट्रोल भी लगाया है जिसके अंदर कस्टमर की नीड भी कंप्लीट हो जाए और साथ में लुक्स के ऊपर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छा काम हो पाए। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी एसेसरीज के बारे में बताऊंगा जो मैंने मॉडिफाई करवाई है। आप किसी भी स्टेट में हो, आप कहीं भी काम करवाते हो या कहीं भी आप रहते हो तो आप चाहे तो वहां से भी ये सब एसेसरीज को ले सकते हैं। पार्ट नंबर डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा जो जो मेरे पास पार्ट नंबर होंगे वो मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट में दिखाऊं ताकि अगर आप कहीं से भी लेने का प्लान करें तो आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मॉडिफाई करवा पाए। दोस्तों चलिए नंबर वन की एसेसरीज जो कस्टमर ने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराने का प्लान किया है वो है मैंने गाड़ी की कनेक्टिंग हेडलैम्प्स। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों इसका काम गाड़ी की लुक को एनहांस करना है, प्लस आपकी गाड़ी की जो लाइट है इसके सिमेट्रिक पोर्शन को बनाना है। मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसे आपको बात बता रहा हूं। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये आपकी फ्रंट की लाइट बन जाती है जिसके अंदर आपका ये वाला पोर्शन आ जाता है, बट मुझे इस वाले पोर्शन को साथ में इंस्टॉल करना है जिससे मेरी कनेक्टिंग लाइन की पूरी सीरीज बन जाएगी। तो पहली चीज मॉडिफिकेशन में आती है कनेक्टिंग हेडलैम्प, जिसकी प्राइसिंग की बात बताता हूं तो 5748 की आपको इसका प्राइसिंग मिल जाता है। फिटिंग चार्जेस वेरी होते हैं डीलर टू डीलर। पहली आइटम मैंने आपको बताई मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इसे के अलावा अगर मैं आपसे अब सेकंड आइटम की बात बताता हूं जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो किए हैं गाड़ी के अलॉय व्हील्स। दोस्तों अलॉय व्हील्स की अगर मैं गणित की बात बताता हूं तो 12,000 रुपए का एक अलॉय मिलता है, 750 रुपए की करीब की एक कैप मिलती है, 250 रुपए की आपकी टीपे में स्नोजन मिलती है, प्लस कस्टमर के मैंने जेके के टायर लगाए हैं 17 इंच के। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने जेके का टायर क्यों लगाए हैं। जेके का टायर लगाने के पीछे मेरा रीजन ये रहा है क्योंकि क्रेटा के टॉप मॉडल में भी जेके के टायर आते हैं। पहली चीज अब आते हैं वारंटी को लेके और सर्विस को लेके। अगर ये टायर आपका 2 साल में कटता फटता भी है तो ऑल ओवर इंडिया आपको इसकी वारंटी मिल जाती है। पहली आइटम मैंने आपको बताई कनेक्टिंग लाइन्स, दूसरी मैंने आइटम आपको बताई अलॉय व्हील्स, थर्ड आइटम अगर मैं फ्रंट की बात बताता हूँ वो लगाए हैं गाड़ी के हेडलाइट बल्ब। आप देख सकते हैं कस्टमर का रुझान सिर्फ अपर में बल्ब लगाने का था तो मैंने व्हाइट LED बल्ब कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं जिससे आपकी गाड़ी के फ्रंट की लुक को इनहेंस हो सके, प्लस आपका विजन भी बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। अगर आप चाहे ना दोस्तों तो इस बल्ब को यहाँ भी माइग्रेट करवा सकते हैं, आप दोनों बल्ब लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर की उसको दोनों चाहिए या एक चाहिए। मगर अगर मेरी राय मान के चले तो पहले आप एक बल्ब लगवाइए LED का, अगर आपको लगता है विजन बहुत अच्छा है तो आपको इग्नोर करना चाहिए, अगर आपको लगता है विजन कम है मेरे को एक और बल्ब चाहिए तो सेकंड बल्ब भी लगवा सकते हैं। पहली आइटम मैंने आपको कनेक्टिंग लाइट्स बताई, सेकंड आइटम मैंने आपको अलॉय व्हील्स के बताए, थर्ड आइटम मैंने आपको व्हाइट LED बल्ब के बारे में बताइए। अब मैं आपको बात करता हूं गाड़ी की साइड लुक के बारे में।
फ्रंट की मैंने बात की, अब मैं बताता हूँ साइड में मैंने क्या काम किया। आप सबसे पहले इंडिकेटर ही देख रहे होंगे कि मैंने इंडिकेटर क्यों नहीं हटाया। ये इंडिकेटर मैंने इसलिए नहीं हटाया ताकि आपको पता लगे ये गाड़ी का बेस मॉडल है। इस इंडिकेटर को हटाने के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं मैंने आपका साइड में क्या काम किया। सबसे पहली आइटम लगाई ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स। ये तो वो आइटम है जो मेजोरिटी ऑफ हर कस्टमर अपनी गाड़ी में मांगता है, जिसमें आपको चाबी से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर मैं गाड़ी की को 30 सेकंड यूज नहीं करता तो मेरी जब गाड़ी ऑटो लॉक होती है तो मिरर भी अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपनी गाड़ी को ऑन करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं मैं इस बटन से भी मिरर को इजिली फोल्ड कर सकता हूं। इसके अंदर मैंने पूरी कस्टमर की ट्रिम चेंज किया, आप देख सकते हैं इस पूरी ट्रिम को चेंज किया है। अगर मैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल की पूरी कॉस्टिंग की बात बताता हूं तो लगभग 24 से 25 हजार रुपए का आपका कंपनीज में आपको एक खर्चा मिलता है। बाहर आप सुनते होंगे 17-18 हजार रुपए में हो जाता है, सर वो कटिंग करते हैं, मगर हम कंपनी लेवल पे अपनी गाड़ी में कटिंग नहीं कर सकते। प्लस हमारी जो वायरिंग्स होती हैं वो थोड़ी सुपीरियर होती है, कल को कुछ भी कंसर्न आए तो आप इसके लिए मार्केट नहीं जा सकते। कल को कंपनी में कुछ कंसर्न आता है तो आप कंपनी में भी इस बारे में बात आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फोल्डेबल के अलावा जो सेकंड आइटम मैंने कस्टमर की आपकी साइड में लगाई है, वो लगाई है आपकी गाड़ी की साइड बीडिंग्स। आप देख सकते हैं डोर की साइड बीडिंग्स है। इसका काम भी आपकी गाड़ी के डोर्स को प्रोटेक्ट करना है। गाड़ी कहीं टच करती है ना दोस्तों, आपकी साइड बीडिंग से ही आपके डोर प्रोटेक्ट होता है। थर्ड आइटम जो मैंने कस्टमर की साइड में लगाई है वो लगाए हैं गाड़ी के डोर वाइजर्स। गाड़ी के डोर वाइजर्स का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करना है, बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। रेनी सीजन में आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। फोर्थ आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में हमने साइड में लगाई है वो लगाई है गाड़ी की रूफ रेस। फोर्थ आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो लगाई है गाड़ी की रूफ रेस। रूफ रेस का काम कुछ फंक्शनलिटी नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ आपकी लुक एनहांस कराने का करता है। अगर आपको मार्केट से भी रुझान करवाना है तो आप करवा सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई आपकी वारंटी कोलैप्स नहीं होती। मगर ह्यूंडई के अंदर से आप कभी भी लगवाते हो तो उनकी पेंट की वारंटी रहती है, जब तक गाड़ी है इसका पेंट फेड नहीं होता, इसलिए कस्टमर प्रेफर इसको भी कंपनी से करता है। अभी मैं गाड़ी के इंटीरियर में नहीं जाता, अब मैं आपको गाड़ी का रियर दिखाता हूं जो मैंने रियर में काम किया है। रियर में एज यूजुअल कस्टमर की लुक को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कस्टमर ने एसएक्स का एक मोनोग्राम भी लगवाया है। एसएक्स के मोनोग्राम के अलावा कस्टमर ने जो आपका अपर में लगाया है, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, गाड़ी का शार्क एंटीना भी मेरे से लगवाया है। शार्क एंटीने का काम लुक एनहांस करने के साथ आपके फंक्शनल भी काम आता है, एफएम रन करने में भी आपकी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैंने इसके अलावा जो आपका साइड में लगाया था सारी आइटम्स आपके सामने शेयर कर दी, अब बताता हूं गाड़ी के इंटीरियर में क्या काम की है। आइए मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूं। गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहली आइटम आप देख सकते हैं जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है, वो किया है आपका स्टीयरिंग कंट्रोल, गाड़ी का क्रूज कंट्रोल। इन दोनों आइटमों को इंस्टॉल करने के अलावा फर्स्ट आइटम मैंने आपकी क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल की है, सेकंड आइटम मैंने आपका स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल किया है, थर्ड आइटम जो हमने इंस्टॉल किया कस्टमर गाड़ी में वो हमने रिवर्स कैमरा इंस्टॉल किया है। रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रिवर्स लगाया आपका रिवर्स स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको स्टीरियो के बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन सा स्टीरियो लगाया है, पहले आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों को समझिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम लगाई है मैंने कस्टमर की गाड़ी में सनग्लास होल्डर भी इंस्टॉल किया है। सनग्लास होल्डर में जो जेन्युइन माइक है हम उसी का माइक का यूज करते हैं, हम स्टीरियो कोई भी लगाएं, क्योंकि इस माइक की जो आपकी फंक्शनलिटी होती है वो रेदर देन ऑर्डिनरी माइक से बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो अगली आइटम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है, एज यूजुअल एयरबैग कंपैटिबल सीट कवर इंस्टॉल की है। आप साइडों से सीटें देख सकते हैं, ब्लैक कलर के आपके सीट कवर्स होते हैं, ये वाले एयरबैग कंपैटिबल सीट कवर्स हैं, जिसका काम आपकी गाड़ी की सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करने का होता है। सीट कवर के अलावा जो लास्ट आइटम कस्टमर गाड़ी में इंस्टॉल की है वो हमने लगाई है गाड़ी का स्टीरियो। जो स्टीरियो मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल किया है वो मैंने लगाया है लॉरिडेल स्टीरियो लगाया है, ब्लॉपंग का लॉरिडेल 900 स्टीरियो लगाया है। मैंने ये स्टीरियो क्यों लगाया, इसके पीछे कारण है दोस्तों, ये पहला ऐसा स्टीरियो आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर जिसके अंदर आप सीरी कमांड को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एप्पल कारप्ले को क्लिक करके अगर पेयर करता हूं ना तो इसके अंदर आप सीरी कमांड को भी इजीली यूज आप कर सकते हैं। सीरी कमांड के अलावा ये आपको जो स्टीरियो मिलता है वो 4GB और 32GB मेमोरी के साथ मिलता है। अगर आप इसके अंदर कुछ इंस्टॉल भी करते हैं तो आपका ये स्टीरियो हैंग नहीं होता। स्टीरियो के साथ साथ मैंने आपको जो जो सामान लगा था आपके पास सारी आइटमें मैंने आपके सामने शेयर की जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है। जैसे जैसे मैं नई नई गाड़ियों में काम करूंगा आपको सारी वीडियो शेयर करूंगा। कोशिश कीजिएगा अगर हुंडई जेन्युइन तरीके से काम करवाना चाहते हैं
तो आप कंपनी को भी इजीली प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों।